नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों की फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। रवि दहिया ने कहा, ऐसा खेल दिखाऊंगा दुनिया हिल जाएगी। टोक्यो ओलंपिक में बुधवार को हरियाणा की माटी की लाल रवि दहिया कुश्ती के 57 किलो वेट के फाइनल में जगह बना ली है। बुधवार दोपहर 3:45 बजे कजाकिस्तान के पहलवान को पटखनी देकर रवि ने देश के लिए चौथा मेडल पक्का कर लिया है। वहीं उनके खुद के गोल्ड मेडल लेकर आने की आस और भी प्रबल हो गई है। दरअसल रवि मंगलवार को परिवार से बात करते हुए कह रहे थे, ऐसा खेल दिखाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। सेमीफाइनल में हार के बाद महिला हॉकी टीम में टूटा गोल्ड का सपना, अर्जेंटीना ने 2-1 से हराया। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचकर सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम का गोल्ड का सपना टूट गया है। अर्जेंटीना ने भारतीय टीम को 1-2 से हराया है, लेकिन अब भी भारतीय टीम से ब्रॉन्ज की आस बनी हुई है। वहीं इससे पहले भारतीय पुरुष टीम को सेमीफाइनल में बेल्जियम के हाथों हार का सामना करना पड़ा। MSME उत्पादों को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार, हरियाणा सरकार ने इन कंपनियों के साथ साइन किया MOU। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के MSME के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाने के लिए आज एक और अहम कदम बढ़ाया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की उपस्थिति में वॉलमार्ट वृद्धि तथा हक दर्शक कंपनी के साथ हरियाणा सरकार का MOU हुआ। सरकार की ओर से MSME विभाग के महानिदेशक विकास गुप्ता तथा वॉलमार्ट वृद्धि की ओर से नितिन दत्त तथा हक दर्शक की ओर से CEO अनिकेत डायगर ने इस MOU पर हस्ताक्षर किए। थैले में मिलेगा राशन, हरियाणा में सभी राशन डिपुओं पर 18 व 19 अगस्त को अन्नपूर्णा उत्सव। हरियाणा में 18 और 19 अगस्त को सभी राशन डिपुओं पर अन्नपूर्णा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों को अन्नपूर्णा उत्सव की तैयारी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल के तहत जारी आवश्यक निर्देशों का पालन करने के भी निर्देश दिए। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए रोडवेज बसों की एडवांस बुकिंग शुरू। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 7 व 8 अगस्त को ली जाने वाली हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के मद्देनजर रोडवेज डिपो नारनौल द्वारा हिसार के लिए स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। इन बसों के लिए एडवांस बुकिंग 4 अगस्त बुधवार से शुरू हो गई है। इच्छुक परीक्षार्थियों को बस स्टैंड जाकर आने व जाने दोनों तरफ की बुकिंग करानी होगी। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की पहल, PGI में प्रदेश भर के चिकित्सकों को प्रशिक्षण। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए रोहतक PGI MS के शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक ऐसी नई पहल शुरू हुई है जिसमें शिशुओं की देखभाल के लिए चिकित्सक सक्षम बन सके। इसके लिए PGI में प्रदेश भर के चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। PGI MS के एनेस्थीसियोलॉजी एवं क्रिटिकल केयर विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि मंगलवार को PGI MS के स्किल लैब में पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र व फतेहाबाद जिलों से आए करीब 30 चिकित्सकों को शिशुओं की ICU में देखभाल की ट्रेनिंग प्रदान की गई। मौसम की मार, खेतों में भरे पानी से फसलों के साथ डूबे किसानों के अरमान। मांडोठी क्षेत्र के दर्जनों किसानों की करीब 800 से अधिक एकड़ फसल पानी में डूबे रहने के कारण नष्ट हो गई। किसानों के अनुसार सड़क बन जाने और वहां बरसाती पानी की निकासी का इंतजाम नहीं होने के कारण यह बर्बादी हुई है। जिला उपायुक्त से मिलकर गुहार लगाने के बाद भी मेहनतकशों के लिए मुसीबत कम नहीं हुई। किसानों की मांग है कि प्रशासन उनके इलाकों के सुधले और जल निकासी के प्रबंध करते हुए जल्द से जल्द बरसाती पानी की निकासी की जाए। अब 7 रूटों पर चलेंगी CNG बसें। 7 रूटों में अब CNG बसों की सेवाएं शुरू की गई हैं। इस सेवा के शुरू होने से न केवल यात्रियों को फायदा होगा बल्कि दूषित होते पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। अम्बाला कैंट बस स्टैंड से मंगलवार को 7 बसें रूटों पर रवाना की गई। एकता ट्रांसपोर्ट की बसें अम्बाला से साढ़ौरा, अम्बाला शहर से पीपली, अम्बाला शहर से लाडवा, अम्बाला शहर से हंडेसरा, पंजोखरा, शहजादपुर होते हुए नारायणगढ़ रूट पर चलेंगी। दिन में ये बसें 6 चक्कर लगाया करेंगी। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इन बसों को चलाने को लेकर पिछले काफी दिन से प्राइवेट बस चालकों व रोडवेज अधिकारियों के बीच विवाद चल रहा था। 7 व 8 अगस्त को 2 सत्रों में होगी सिपाही भर्ती परीक्षा।
जिले में 7 व 8 अगस्त को आयोजित होने वाले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए एसडीएम रेवाड़ी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। 24 ड्यूटी मजिस्ट्रेट अर्थात उड़नदस्ते बनाकर 5 रिजर्व ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। सुबह के सत्र में 10:30 से 12 व शाम को 3 से 4:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को सुबह के सत्र की परीक्षा देने के लिए 8:30 से 9:30 तथा शाम के सत्र की परीक्षा के लिए 1 से 2 बजे तक परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करनी होगी। इसके बाद पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी। मुख्य गेट पर तैनात पुलिसकर्मी प्रवेश पत्र पर लगी फोटो इत्यादि की जांच के बाद ही आगे जाने की अनुमति देंगे। बेसहारा व अनाथ हुए बच्चों को हर महीने मिलेगी 2500 रुपये आर्थिक सहायता। हरियाणा सरकार कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की मददगार बन रही है। कोरोना संक्रमण के दौरान बेसहारा हुए बच्चों के जीवन यापन व अन्य जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आर्थिक सहयोग दिए जाने का प्रावधान किया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जनहित में सरकार का यह निर्णय निश्चित तौर पर उल्लेखनीय कदम माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दौरान बेसहारा व अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये नगद आर्थिक सहायता के तौर पर दिए जाएंगे। अब युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर, रोजगार सृजन सब्सिडी योजना की अधिसूचना जारी। हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने हेतु विभिन्न श्रेणियों के उद्यमों के लिए रोजगार सृजन सब्सिडी योजना की अधिसूचना जारी की है, ताकि कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल श्रेणी के युवाओं को क्षमता निर्माण के साथ रोजगार के अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते व जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त, नहीं मिले कागजात। भिवानी में गुप्त सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ते कराधान विभाग के साथ मिलकर एक सामूहिक छापेमारी करते हुए आज जीएसटी चोरी करने में संलिप्त पाए गए 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में मकान बनाने की ईंटों को ढोया जा रहा था। जिन भट्टों से इन ईंटों को लाकर सप्लाई किया जा रहा था, उसका जीएसटी से संबंधित कोई भी कागजात नहीं पाया गया। ऐसे में जीएसटी चोरी का मामला इन 7 ट्रैक्टर संचालकों पर दर्ज किया गया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने हरियाणा के विधायकों को ऑब्जर्वर किया नियुक्त। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। इसमें पार्टी ने हरियाणा के विधायकों को नगर निगम चुनाव के ऑब्जर्वर बनाया है। कांग्रेस द्वारा जारी की गई लिस्ट में 14 विधायकों के नाम शामिल हैं। 5 अगस्त को किसान करेंगे दुष्यंत चौटाला का विरोध। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बीजेपी व जेजेपी नेताओं का बहिष्कार करने का आह्वान हुआ है। आज भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने 5 अगस्त को एमडीयू में इनसो के स्थापना दिवस कार्यक्रम पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आगमन का विरोध किया जाएगा। थाना प्रभारी ने पूर्व विधायक के बेटे पर मारपीट करने का लगाया आरोप, डीएसपी बोले जाँच की जाएगी। रादौर थाना प्रभारी की पिटाई करने का मामला सामने आया है। इस मारपीट का आरोप रादौर के पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा के बेटे नेपाल राणा और कई अन्य लोगों पर लगे हैं। नेपाल राणा और कई अन्य लोगों पर इसके इल्जाम लगे हैं। इसको लेकर यमुनानगर सदर थाने में इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। जींद में सड़कों की जाँच करने पहुंचे 5 विधायक, विरोध के लिए आ गए किसान, पुलिस फोर्स तैनात। जींद शहर में सड़क धंसने का मामला काफी तूल पकड़ चुका है। अब इसकी जांच के लिए विधानसभा सब्जेक्ट कमेटी की टीम आई है। इस टीम का नेतृत्व विधायक दीपक मंगला कर रहे हैं और इनके साथ कुल 5 विधायक आए हैं। वहीं किसान विरोध करने पहुंच गए। किसानों को रोकने के लिए भारी सुरक्षा बल मौजूद है। हरियाणा में 5 तक हल्की बारिश, जानिए इसके बाद कैसा रहेगा मौसम। अभी प्रदेश में मानसून की सक्रियता बरकरार है। 5 अगस्त तक मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना जताई है। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाकों में पिछले 3-4 दिनों से भारी बरसात हो रही है। कितलाना टोल पर धरना जारी, किसानों ने बिगड़ते कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर उठाए सवाल। चरखी दादरी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार में महिलाओं पर अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। यह बात महिला किसान नेत्री कृष्णा छपार ने बुधवार को कितलाना टोल पर चल रहे किसानों के अनिश्चितकालीन धरने को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब प्रदेश के किसी कोने में किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार, छेड़छाड़ या दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध नहीं होते हों। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के चेयरमैन के विरोध पर बिफरे अनुसूचित जाति के लोग।
राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के चेयरमैन विजय सांपला का गत 31 जुलाई को सिरसा कार्यक्रम के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आड़ में विरोध जताया। इसी के विरोध में बुधवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी पदाधिकारियों ने अनुसूचित जाति के चेयरमैन के विरोध जताने पर कहा कि आयोग के अध्यक्ष का पद बहुत ही सम्मानित, प्रतिष्ठित एवं संवैधानिक होता है, जो कि गैर राजनीतिक पद होता है। इसे भारतीय संविधान के अनुसार पूरे देश के अनुसूचित समाज के समस्याओं के निराकरण हेतु बनाया गया है। विज की ललकार, किसी की मां ने ऐसा दूध नहीं पिलाया जो तिरंगा फहराने से रोक सके। खालिस्तान समर्थकों द्वारा हरियाणा के सीएम को 15 अगस्त पर तिरंगा न फहराए जाने की धमकी पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। विज ने कहा कि किसी की भी मां ने ऐसा दूध नहीं पिलाया जो भारत में तिरंगा फहराने से रोक सके। ओम प्रकाश चौटाला ने शहीद परिवारों को किया सम्मानित। अमर शहीद संदीप कुमार विकास मेमोरियल कमेटी के सभी सदस्यों ने अमर शहीद संदीप धनखड़ की 16वीं पुण्यतिथि पर गांव ढाड़ा के शहीद पार्क में श्रद्धांजलि समारोह किया और समारोह में आए सभी शहीद परिवारों को सम्मानित किया। इसके साथ ही आसपास के गांव के 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। यमुना किनारे बसे लोग अब घर खाली करने को मजबूर, प्रशासन ने किया अलर्ट घोषित। फरीदाबाद इलाके में यमुना से सटे गांव में जल स्तर बढ़ने पर सबसे ज्यादा खतरा होता है। ऐसे में जो लोग यमुना की तलहटी में बसे हुए हैं उनके घरों में सबसे पहले पानी घुसता है। फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में हर साल पानी आता है और हर साल लोगों को अपने मकान खाली करके किराए के मकानों में या फिर दूसरी जगह पर रहना पड़ता है। इस बार भी पानी छोड़े जाने से यहाँ के लोगों में चिंता है, क्योंकि धीरे धीरे पानी का जल स्तर बढ़ रहा है और जल्द ही यह पानी इन लोगों के घरों तक पहुँच जाएगा। 28 जुलाई को हथनी कुंड से 1.32 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो यहां आते आते 27,000 क्यूसेक रह गया था। सेमीफाइनल में रवि दहिया की धमाकेदार जीत, फाइनल में जीतेंगे गोल्ड, भारत के खाते में 4 पदक। बुधवार को टोक्यो के मुकाहारी मेस्से हॉले मैट बी में भारतीय पहलवान रवि दहिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के सनायो नूरिस्लाम को सेमीफाइनल में मात दी है। इसके साथ ही ओलंपिक में भारत का 4वां पदक पक्का हो चुका है। वहीं रवि इस साल पदक जीतने वाले पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी हैं।